40% कमीशन वाली सरकार का नारा कर्नाटक में इन दिनों चर्चा में है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोमवार को बिदर जिले की एक रैली को संबोधित करते हुए इस नारे का जिक्र किया। उन्होंने राज्य सरकार पर तंज करते हुए कहा कि कर्नाटक में जो 40% कमीशन वाली सरकार है उसे 40 सीट से ज्यादा नहीं मिलने वाली है। दिनों में कर्नाटक में चुनाव होने वाला है और पूरा कर्नाटक, पूरा देश जानता है कि चुनाव में कांग्रेस पार्टी जीतने वाली है और भारी बहुमत से कम 150 सीट लेकर कांग्रेस पार्टी जीतने वाली है। आप देख लेना, जो 40% कमीशन वाली सरकार है उसको 40 सीट से ज्यादा नहीं मिलने वाली है। कर्नाटक में बीजेपी सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं और कांग्रेस ने इसे 40% कमीशन वाली सरकार बताया था। इसी पर राहुल गांधी ने कहा कि 40% कमीशन सरकार का नारा मैंने नहीं दिया था, ये तो कर्नाटक के लोगों ने दिया था। बीजेपी को सिर्फ कर्नाटक में नहीं पूरे देश में 40% कमीशन वाली सरकार कहा जाता है और यह नारा मैंने नहीं दिया है, यह नारा कर्नाटक के लोगों ने, कर्नाटक की जनता ने दिया है। आपने पिछले 5 सालों में अपनी आंखों से देखा बीजेपी के भ्रष्टाचार को, आपने देखा और आपने सहा। प्रधानमंत्री जहां भी जाते हैं भ्रष्टाचार की बात करते हैं, मगर जब कर्नाटका के कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ने नरेंद्र मोदी जी को चिट्ठी लिखी और उन्होंने नरेंद्र मोदी से कहा प्रधानमंत्री जी कर्नाटक में 40% कमीशन लिया जा रहा है, तो प्रधानमंत्री ने उस चिट्ठी का जवाब तक नहीं। वहीं कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने राहुल गांधी की 40% कमीशन सरकार वाली टिप्पणी पर पलटवार किया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि उन्होंने कांग्रेस सरकार के दौरान हुए घोटालों पर राहुल गांधी को एक आरोप पत्र भेजा था जिस पर अभी तक जवाब नहीं आया है।